यहाँ पर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शाहरुख खान को हाल फिलहाल में जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई, जहाँ पर सरकार पुलिस की सिक्योरिटी सब कुछ शाहरुख खान को दिया गया, यहाँ तक कि वाई प्लस सिक्योरिटी भी सौंपी गई शाहरुख खान को। वाई प्लस सिक्योरिटी में रह रहे हैं शाहरुख खान, लेकिन अब खबर आ चुकी है कि शाहरुख खान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि शाहरुख खान पर जानलेवा हमला होने की खबर सामने आई। ये खबर जैसे ही शाहरुख खान को मिली तो उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में कम्प्लेन करवाई। अब कम्प्लेन करने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच पड़ताल की, तब जाकर पता चला कि वाकई शाहरुख खान को कई दिनों से उनकी दो फिल्म रिलीज होने के सक्सेस के बाद शाहरुख खान को अंडरवर्ल्ड डॉन से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। आपको बताते चले कि यही सब कुछ देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया और यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वाई प्लस सिक्योरिटी दी शाहरुख खान को। ऐसे में अब खबर है कि शाहरुख खान इस धमकी के बाद इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने खुद को अपने ही घर के कमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर में दावा किया गया कि शाहरुख खान इस धमकी के बाद इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो न कमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। ये देखकर उनकी पत्नी गौरी खान भी काफी परेशान है। आपको बताते चले कि गौरी खान और उनका परिवार पूरी तरह से शाहरुख खान के साथ है और ऐसे में शाहरुख खान को संभालने की कोशिश की जा रही है। जब ये खबर हमारे सामने आई तो हमने भी लिया फैसला सच जानने का कि आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई शाहरुख खान इतने ज्यादा डर चुके हैं धमकी के बाद कि उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। आपको बताते चले कि जब इस खबर की जांच पड़ताल हुई तब जाकर पता चला कि ये खबर फर्जी है। जी हाँ, यहाँ पर ये खबर तो सच है कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दी, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया, ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर पर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि ये खबर फर्जी है। आपको बताते चले, इस खबर को हमने खास तौर पर तैयार किया उन लोगों के लिए जो शाहरुख खान के फैंस हैं और शाहरुख खान के लिए परेशान हैं। शाहरुख खान अपने घर में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और वाई प्लस सिक्योरिटी में अपना पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने घर में खुद को कैद नहीं किया, वो घर के बाहर भी आ जा रहे हैं और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आज के खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले लीजिए इजाजत। शुक्रिया।